once again welcome back to my channel. तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है इन मीशो हॉल. एंड आज मैं मीशो से आपके लिए ह्यूज हॉल लेके आई हूँ. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लाइक वेस्टर्न वेयर देखने को मिल जाएंगे. इसमें आपको साड़ी, लहंगा, ज्वेलरी, मतलब बहुत कुछ एक ही वीडियो में मैंने ले लिया है. एंड सभी एक से बढ़ के एक है. तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा. एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलेगा. तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो. और मीशो पे लिंक्स नहीं होते, कोड्स होते हैं. जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो. तो रीसेलिंग प्राइस एंड मीशो प्राइस में यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी. अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी मैसेज करना, बिकॉज होता क्या है इन 5 or 10 मिनट वो सोल्ड आउट हो जाते हैं. फिर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो अवेलेबल होते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप जल्दी से मुझसे मैसेज करिए एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करिए. और ये जो प्लांटर्स वगैरह है या फिर आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे फेवरेट आउटफिट्स हो गए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपको क्या करना है, माय हॉल स्टोर के नाम से एक लिंक मिलेगा, जस्ट उस पर डेली आप टैप कर लिया करो एक बार, क्योंकि मैं डेली कुछ न्यू कलेक्शन वहाँ पर भी लेके आती हूँ. तो अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो. तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट लहंगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है. एंड इस वाले लहंगे का मुझे बहुत सारे लोगों ने कोड दिया था इंस्टाग्राम पे भी एंड कमेंट में भी. मेरे पास बहुत कोड आए थे इस वाले लहंगे के. तब मैंने इस सेलर को चेकआउट किया तो यार मैंने वहाँ से 3 या 4 लहंगे ही पिक कर लिए, क्योंकि मुझे इनकी रेटिंग भी काफ़ी सही लग रही थी. दूसरा, जब मुझे मिले तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. प्लस 8 से बढ़ के 8 डिज़ाइनर लहंगे हैं. तो इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा. पहली बात तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा है. जैसा आपको पिक्चर में दिखाया है ना, बिल्कुल वैसा ही लहंगा देखने को मिलेगा. पर इतना ज़्यादा हैवी लुक होने के बाद भी बहुत ही लाइट वेट है. उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से. ये आपको पीच एंड मजेंटा कलर में लहंगा देखने को मिल जाएगा. एंड ये इस तरीके का ऊपर वाला आपको पार्ट देखने को मिलेगा, ये पीच में है. वेस्ट है इसकी up to 42 से up to 44, जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगी. सेम स्टिच है, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, जस्ट आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच बढ़ाना है. प्रॉपर अंदर लाइनिंग वगैरह दी हुई है. ये जो आप वर्क देख रहे हैं ना, ये पूरा जरी के थ्रेड से किया गया है, सिल्वर थ्रेड से जरी के. एंड नीचे जाते जाते आप इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा. मैं ट्राई कर रही हूँ आपको फुल लुक देने का, पूरा लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा. एंड ये वाला जो पार्ट है बहुत ब्यूटीफुल है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है, वो भी जरी के थ्रेड से. एंड लुक क्या दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड नीचे आपको इस तरीके की फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी. और बहुत ब्यूटीफुल लहंगा है. अगर आप लेने की सोच रहे हैं ना, बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाले लहंगे को. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. बिल्कुल जरी के थ्रेड से की गई है, शाइनिंग वाली एम्ब्रॉयडरी है. एंड प्लस बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है. एंड इस तरीके की फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी. और साथ ही साथ आपको इसमें अंदर लाइनिंग दी हुई है. प्लस यहाँ पे आप देखोगे ना, यही कैनवास लगाया हुआ है. फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, 3 मीटर के आसपास फ्लेयर है. पर अगर आप चाहते हो और भी अच्छा फ्लेयर आए तो आप, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज़रूरत नहीं है कैनवास की. लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत ही हैवी फ्लेयर एंड कैन लगवा भी सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा लहंगा है. मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस वाले सेलर की. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस में है, प्लस लेटेस्ट कलेक्शन है. तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा. बताती हूँ इसका ब्लाउज एंड दुपट्टा. ब्लाउज के लिए इन्होंने 2 फैब्रिक दिए गए हैं. इस तरीके का बैक के लिए फैब्रिक देखने को मिल जाएगा. आप देख सकते हैं सिल्क का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा है. ये आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा बैक के लिए. फ्रंट के लिए आपको इस तरीके का सेम फैब्रिक देखने को मिल जाएगा. एंड काफ़ी अच्छा हैवी फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, हैवी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, वो ही सेम एम्ब्रॉयडरी लहंगे वाली. बनवाने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा. अगर मैं टोटल मिला के फैब्रिक की बात करती हूँ तो ये 1 मीटर के आसपास फैब्रिक है, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा. और इससे आप स्लीव्स वगैरह भी बनवा सकते हैं. तो इस तरीके का आपको ब्लाउज मिल जाएगा. पहले तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है लहंगे का. ये मजेंटा के साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन एकदम न्यू है. प्लस लग भी बहुत प्यारा रहा है. एंड इसमें आपको दुपट्टा बिल्कुल लाइट दिया है, क्योंकि ब्लाउज एंड लहंगा काफ़ी हैवी है. बस चारों तरफ आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी.
जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इस दुपट्टे को आप अपने अदर कुर्ता और कुर्ता सेट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। बिल्कुल लाइट वेट एंड डिजाइनर दुपट्टा है, तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ इस वाले सेलर से परचेज करना। क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी और लेटेस्ट कलेक्शन है। तो ये है जो फर्स्ट आउटफिट मैंने परचेज किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। आपने इस साड़ी को कई बार देखा होगा, लुक एट दिस, इस साड़ी को आपने कई बार देखा होगा, पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दी मीशो पे अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप यहाँ से शेयर करो। हम देखना चाहते हैं क्वालिटी कैसी आती है। है तो साड़ी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, तो मैंने भी सोचा आपके साथ एक शेयर करते हो। ये वाली साड़ी नॉर्मल पॉलिथीन में मिली थी। ये बात तो सर, कलर बहुत प्यारा है। बस इतनी सी साड़ी है ना जो आपको प्लेन मिलेगी, जो कि आप ड्रैप करते हैं जब आपके अंदर की साइड आएगी। बाकी पूरी साड़ी पर आपको इस तरीके के सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे, फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी, एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। 3 लेयर में फ्रिल्स है, तो लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है, प्लस डिजाइनर है, लुक काफ़ी अच्छा आएगा, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो सिक्वेंस लगवाए हुए हैं इस तरीके से लगवाए हुए हैं कि बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पूरी आपको 5.5 मीटर की इसी तरीके की आपको ये पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड यार मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली साड़ी, बहुत ही प्यारा लुक आएगा ना जब आप इसे पहनेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इन्होंने इसमें आंचल के लिए दिया हुआ है, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, और इसके अकॉर्डिंग आप कोई पार्टी वेयर साड़ी लेने की सोच रहे हैं इन अफोर्डेबल प्राइस में, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये थी साड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें अंदर इस तरीके का फैब्रिक भी मिला है। ये पूरा इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा साटिन टाइप का फैब्रिक है, शाइनिंग वाला फैब्रिक है थोड़ा सा, और ये इन्होंने इसमें शायद ना अंदर पेटीकोट के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, तो अगर आप आराम से इसे पेटीकोट भी स्टिच करवा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपको अलग से पेटीकोट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको इसे स्टिच करवाना होगा। और ब्लाउज़ के लिए इन्होंने अलग से फैब्रिक दिया हुआ है। साड़ी काफ़ी हैवी है, तो यार ब्लाउज़ है ना थोड़ा लाइट भी होना चाहिए, तो इस तरीके का इसमें ब्लाउज़ देखने को मिल जाएगा। लुक है ना वो की वो ही आएगा जब आप देखेंगे प्रॉपर बनवाने के बाद। पूरा टफेटा सिल्क का आपको इस तरीके का 1 मीटर का ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है। ये फ्रंट के लिए दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ना फ्रंट पे कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी की रही है, जैसी सेम साड़ी पे की हुई है, प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं। यार क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे साड़ी की, और ये बहुत ही अच्छा अंडा एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी है ना, तो भी आपके ब्लाउज आराम से स्टिच हो जाएगा। तो नेक्स्ट लहंगा जो कि बहुत ही प्यारा है, इस तरीके की किट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी यार काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था मुझे, प्लस कलर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा पिक करके देखते हैं, एंड रियली बहुत ब्यूटीफुल मिला है। इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। पहले तो आप इसका कलर देख लो कितना प्यारा है, ये आपको प्रॉपर जो ग्रे कलर होता है ना उस कलर में लहंगा देखने को मिलेगा। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, प्लस पूरा लहंगा जॉर्जेट फैब्रिक में है, प्लस आप देख ही सकते हो ना काम कितना अच्छा किया हुआ है, कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। ये भी आपको पूरा सेमी स्टिच लहंगा मिलेगा, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। इसमें अंदर कॉटन की लाइनिंग लगाई हुई है जो कि काफ़ी सही रहेगी समर्स में। इस तरीके की आपको इसमें वेस्ट देखने को मिल जाएगी, जो है up to 42 से up to 44, जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगी। पूरा लहंगा आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पूरा आप जो काम देख रहे हो ना, ये सिक्वेंस का है, प्लस एम्ब्रॉयडरी का है, जरी की एम्ब्रॉयडरी का, पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके का बिल्कुल काम देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल नीटली इन्होंने काम किया हुआ है, प्लस सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी लाइट वेट है एंड अफोर्डेबल प्राइस में है। नीचे की साइड आपको इसमें भी इस तरीके की फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी, तो लुक यार बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इस। और ये काम जो किया हुआ है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यारा आएगा यार, लुकिंग वाइज बहुत ही प्यारा है ये लहंगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नीचे की साइड आपको इसमें इस तरीके की फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत प्यारी है। अंदर की साइड प्रॉपर इन्होंने जो है लाइनिंग वगैरह अटैच की हुई है, और वेस्ट है इसकी up to 42 से up to 44, जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगी। फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। सभी की रीसेलिंग प्राइस और मीशो प्राइस में साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती जा रही हूँ, तो आप ध्यान रखना। इसके ब्लाउज के लिए इन्होंने ग्रे कलर का ही ब्लाउज दिया हुआ है, पर फैब्रिक इतना ही दिया हुआ है कि आप इससे स्लीवलेस ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो। बस ये आपके फ्रंट में आएगा एंड बहुत ही प्यारा है, ये आपके बैक के लिए दिया हुआ है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्लीवलेस नहीं बनवाए, 3/4 बनवाए या फिर बहुत ही तरीके से आप इस ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, क्योंकि लहंगा काफी डिजाइनर है। तो ऐसा फैब्रिक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। जॉर्जेट फैब्रिक है, ग्रे कलर का प्लेन फैब्रिक ले लेना क्योंकि फ्रंट काफी हैवी है। तो ये स्लीव्स आप नेट की स्टिच करवा सकते हैं, नेट का लुक भी इसमें काफी ज्यादा अच्छा है, आप अलग से नेट परचेज कर सकते हैं। एंड बैक का फैब्रिक इसमें दिया हुआ है, तो स्लीव्स आप नेट की बनवा लीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो स्लीवलेस ज्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रैपी शोल्डर, लेकिन लेडीज वगैरह है जो नहीं पहनती है तो आप इस तरीके से स्टिच स्टाइल कर सकते हैं, काफी अच्छा लुक आ जाएगा। एंड इन्होंने जो लहंगा एंड ब्लाउज काफी हैवी दे दिया, तो इन्होंने जो है दुपट्टा बिल्कुल प्लेन रखा है। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का दुपट्टा है, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये है टॉप एंड बॉटम का सेट। ये वेस्टर्न वियर है, तो वेस्टर्न वियर की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक वेस्टर्न वियर भी कुछ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने इसमें दो पिक किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप एंड बॉटम का सेट बताती हूँ। इसको पिक करने का रीज़न ये था, ये तो एक तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश था, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, प्लस यार लुकिंग वाइज इतना सुपर्ब था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टॉप बताती हूँ। कुछ इस तरीके का आपको इसमें टॉप देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। आप देख रहे हो ना ये चीज़, ये आपको इस तरीके का फ्रंट देखने को मिलेगा। एक तो जो फैब्रिक है इसका प्योर कॉटन फैब्रिक है जो कि समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इस तरीके की आपको इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी जो कि ओपन स्लीव्स है इस तरीके की। यार आप फुल लुक साइड में देख लेना, जब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा फ्रंट आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा वी शेप में। एंड यहाँ पे ये अटैच है और यहाँ पे आपको फिर दो डोरी देखने को मिलेगी स्ट्रैप, जिन्हें आपको साइड में टाई अप करना है। फुल लुक आप साइड में देख लेना, बिल्कुल जैसा मॉडल ने पहना हुआ है वैसा ही है। और ये पूरा प्रिंटेड है, कलर आप देख सकते हो डार्क ग्रीन कलर है। बैक साइड आपको पूरा जिप देखने को मिल जाएगा नीचे तक, इस तरीके की आपको इसमें जिप दी गई है, तो आप इजीली इसे पहन सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको टॉप में नीचे इलास्टिक भी देखने को मिल जाएगा, जिससे इस टॉप की जो है फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आएगी। और इसमें जो मैंने साइज पिक किया है मे बी स्मॉल किया है। एंड बॉटम के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके का इसमें प्लाजो दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। यार इस वाले ड्रेस का लुक है ना इतना ज्यादा कूल है, स्टाइलिश है, समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लुक है। अगर आप नाइट आउट पे जा रहे हो या फिर शॉपिंग करने जा रहे हो डेली में भी, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा स्टाइलिश है या फिर अफोर्डेबल प्राइस में यार ये कुछ स्टाइलिश सी ड्रेस है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। कलर ऑप्शन आपको सभी में मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर लेना। और इतना कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद क्योंकि कॉटन का है। एंड प्लाजो आप देख सकते हो ना, काफ़ी ब्रॉड प्लाजो इसमें दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। इलास्टिक वाला दिया हुआ है जो कि बहुत ही सही रहेगा। प्लाजो में भी आपको यहाँ पे जिप देखने को मिल जाएगी साइड में। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लुकिंग वाइज अच्छा है, पूरा प्रिंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने पिक की है। अब जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने पिक की है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, एक मैक्सी ड्रेस है क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है और मैक्सी ड्रेस बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो मैंने कल ये मैक्सी ड्रेस शेयर की थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ये भी। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। प्लस ये वाली मैक्सी ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पर काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, पर मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी यार। एक तो अफोर्डेबल प्राइस में है तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो ये ब्लू कलर नहीं है, डार्क वाला स्काई ब्लू कलर है, थोड़ा लाइटिंग की वजह से रिफ्लेक्ट होता है जिसके कारण ये आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर दिख रहा है। बाकी जो स्काई ब्लू कलर आता है वो वाला कलर है। एंड ऊपर का फ्रंट आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पूरा है ना इन्होंने जॉर्जेट फैब्रिक में मैक्सी ड्रेस है, नीचे का जो फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है क्रेप फैब्रिक है। एंड फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, पूरी फ्लोरल प्रिंट में है। और बेल्ट स्लीव्स आपको देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी स्टाइलिश है और पूरी प्लेन देखने को मिलेगी क्रेप फैब्रिक में। फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, लुकिंग वाइज इस तरीके की मैक्सी ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है, स्टाइलिश लगती है। आप इसे बैग के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा, प्लस कंफर्टेबल तो रहती है समर्स में, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे स्मॉल साइज पिक किया है, साइज चार्ट दिया हुआ है, जो भी साइज आपको लेना हो परचेज कर सकते हो। एंड सभी की मीशो प्राइस रिसेलिंग प्राइस यहाँ पे है, देखते रहना। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट आउटफिट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया वो है ज्वेलरी।
ये दो का सेट था, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने सोचा यार देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है। पर क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी आई और इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, मे बी 400-450 के अराउंड है ये वाली ज्वेलरी सेट, और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के बताती हूँ, नॉर्मल जैसे पॉलिथीन होती है ना उसी में आया था, कोई इसमें बॉक्स वगैरह नहीं आया, और इस तरीके के बबल रैप में आया था। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाली बता रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरीके की आपको एक फर्स्ट वाली ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी। फुल लुक साइड में देख लेना, ये एक नेकलेस है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, और लुक एट दिल से कितना प्यारा लग रहा है ना। नीचे आपको इस तरीके का नेकलेस देखने को मिल जाएगा, एक स्टेटमेंट ज्वेलरी है जो कि आपके लुक को हाईलाइट कर देगी। आप अगर साड़ी पहन रहे हो, एथनिक वेयर डाल रहे हो, या फिर वेस्टर्न भी डाल रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यार कोई बिलीव नहीं कर सकता, इतनी कम प्राइस में आपको दो एक अच्छे सेट देखने को मिल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जितना लॉन्ग पहनना चाहो जितना शॉर्ट, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लुक एट दिस, एंड इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो सीप इसमें लगवाए हुए ना, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। इस तरीके की ज्वेलरी है ना, एक मैंने पहले आपके साथ एक सेट शेयर किया था, बस वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास इस तरीके का लॉन्ग में कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा यार ये वाला पिक करके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसमें आपको नेकलेस मिलेंगे प्लस दो बैंगल्स मिल जाएंगे। बैंगल्स यार काफ़ी अच्छे हैं, सबसे अच्छे मुझे इसमें बैंगल्स ही लगे, जो कि पहनने के बाद है ना बैंगल्स का लुक काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। लुक एट दिस, इस तरीके के बैंगल्स देखने को मिलेंगे, जो नीचे का पूरा है ना बैंगल्स का, उसके ऊपर थ्रेड लगवाया हुआ है, फिर थ्रेड के ऊपर इस तरीके के सीप लगवाए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दो बैंगल्स देखने को मिलेंगे, तो पूरा लुक आपका आराम से इससे क्रिएट हो सकता है, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। तो ये है जो फर्स्ट वाली आई है। अब जो नेक्स्ट इसके साथ ही आई है, जो कि कॉम्बो पैक में थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर मुझे ना दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छी है ना यार ये वाली लगी। इस तरीके की ज्वेलरी मेरे पास थी भी नहीं, कुछ स्टाइलिश सी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है यार, मीशो पे उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट है जो आपको ओनली इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट पीस है यार, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद, एथनिक वेयर के ऊपर, साड़ी के ऊपर, वेस्टर्न के ऊपर आराम से जाएगा, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लॉन्ग है, आप देख सकते हो, एंड आप क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, एंड लुक एट दिस, इस तरीके का है कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसमें आपको कॉम्बो में अलग अलग तरीके के सेट एंड डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा कि मैं आपके लिए इतना चूज कर करके आउटफिट लेके आ रही हूँ। तो यार वीडियो को पूरा देखा करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं हो। और यार अगर आप वीडियो देखते हो तो यार आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, क्योंकि मैं आपसे केवल एक ही चीज़ बोलती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, एंड सब्सक्राइब किया करो। कमेंट करके बताना सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, एंड अगर आप कुछ और देखना चाहते हो मीशो से तो कमेंट करो, जैसे जैसे मुझे पसंद आ रहे हैं मैं आपके ऑर्डर भी कर रही हूँ साथ के साथ, तो कमेंट करके बताओ आपको और क्या देखना है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।